अंशकालीन जलवाहकों का अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। अनशन के तीसरे दिन जलवाहक ने मंडी शहर में कैंडल मार्च कर रोष प्रकट किया। साथ ही जलवाहकों ने एडीसी मंडी आशुतोष गर्ग के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर शीघ्र गौर करने की अपील की है। अंशकालीन जलवाहकों का अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। अनशन के तीसरे दिन जलवाहक ने मंडी शहर में कैंडल मार्च कर रोष प्रकट किया। साथ ही अंशकालीन जलवाहक ने डीसी मंडी आशुतोष गर्ग के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रदेश सरकार को भेजा। अंशकालीन जलवाहक संघ के जिलाध्यक्ष भुट्टूराम ने सरकार से उनके द्वारा की गई मांगों पर शीघ्र गौर करने की अपील की है। इस अवसर पर अंशकालीन जलवाहक संघ के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हमारा जो अंशकालीन जलवाहक का अमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें जलवाहकों डटे रहे, अनशन पर बैठे रहे। तो साथ में हमने आज एक कैंडल की माध्यम मोमबत्ती का एक जुलूस भी निकाला, जिसमें डीसी की माध्यम से सरकार को विज्ञापन भी भेजा कि गरीब जलवाहकों की मांगों के ऊपर गौर किया जाए, क्योंकि जो गरीब जलवाहक अपना 2400 रुपये में अपना परिवार का पालन पोषण करते चले जा रहे हैं, सरकार को बार बार ही मांग हम देते चले जा रहे हैं कि सरकार से यही मांग करते कि 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके जलवाहकों को नियमित किया जाए और 5 साल के बाद डेली वेजर जो लोग हैं उनको डेली वेजर बनाए, 5 साल में अंशकालीन जलवाहकों को डेली वेजर बनाया जाए। साथ में सरकार से बार बार आज 7 दिन तो हमारा क्रमिक अनशन जारी रहा, अब 3 दिन आज हो गए, जिसको मिलाकर के 10 दिन लगातार हो गए और 10 दिन में 3 दिन को अमरण अनशन है। उसने जलवाहकों ने अपना अन्न को त्याग करके ये प्रतिज्ञा ये संकल्प ले लिया है कि सरकार जब तक हमारी इन मांगों के ऊपर गौर नहीं करती तब तक हमारा अमरण अनशन जारी रहेगा। चाहे कल भी एस टीम साहब जी और उनके साथ स्वास्थ्य के कर्मचारी यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने हमारे जलवाहकों को जांचा और कुछ लोगों को 6 आदमियों को हॉस्पिटल ले गए थे एम्बुलेंस के माध्यम से, लेकिन वहाँ कहा इनको एडमिट करना पड़ेगा, दाखिल करना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि हम हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए नहीं आए, हम अपनी मांगों को मंगाने के लिए सरकार से आए हैं। तो सरकार से विनय निवेदन है कि हमारी मांगों की ओर ध्यान दे, अगर जैसे ही सरकार हमारी मांगों को मान जाएगी तो हम तुरंत ही यहाँ से उठ जाएंगे, हम घर की ओर अपने प्रस्थान करते चले जा रहे हैं। तो आज भी लोग जितने से मिलने आए उन सब लोगों ने भी आज उपवास रखा था कि सरकार हमारी मांगों की ओर ध्यान दे। कुछ जलवाहकों के आज घर से भी मिलने के लिए, सस्या घर से मिलने के लिए, इनके हाल चाल पूछने के लिए घर से पहुंचे, उन्होंने भी इनका हाल जाना। तो मेरे सरकार से भी निवेदन है कि जलवाहकों की स्थिति को देखकर जो इनकी स्थिति बिल्कुल बिगड़ती चली जा रही है, तो मेरी सरकार से ही मांग रहेगी कि जलवाहकों की मांगों की ओर गौर करे, इन जलवाहकों की मांगे माने, ताकि ये लोग जो अपना जो शरीर में अपने शरीर को तस्त कर रहे हैं, शरीर को अपने अन्न को नहीं मान रहे हैं, ताकि अन्न ग्रहण करते अपने घर की ओर प्रस्थान करें। जय भक्तों, चलो छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।